अरे भाई, इतनी देर हो गई, मेरा दोस्त अभी तक आया नहीं। लगता है आज वो जरूरी काम में फंस गया होगा। चलो आज मैं अकेला ही चलता हूँ भीख मांगने। क्या करूँ, अब पेट भरने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। चलता हूँ, और थोड़ी देर करूँगा तो दिन ऐसे ही कट जाएगा, मेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं। वैसे तो बहुत मेहनत करने पे भी लोग भगा देते हैं, कहाँ कहाँ घूम के मांगू। चलता हूँ, आज देखता हूँ, एक दो लोग भी दे देते हैं तो उससे दिन भर का काम हो जाता है। चलता हूँ अब भीख मांगने, कब तक इंतजार करूँ। अरे रे, तुम लोग आपस में लड़ो मत। अरे कुछ दे दो भाई, कुछ खाने को दे दो भाई। अरे भाई, मुझे भीख दे दो। हाँ, ये सुबह सुबह कौन आ गया? क्या है भाई, सुबह सुबह क्यों शोर मचा जा रहे हो? अरे कुछ नहीं साहब, थोड़ी भीख मांग रहा था, कुछ दे दो खाने के लिए हो जाए। अरे चलो जाओ जाओ, ये तुम लोग का नाटक रोज का है। चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे थोड़ी सी दे दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। आज सुबह से मैंने भी नहीं खाया है, चलो निकलो यहाँ से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं खाए हो तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपनी एक गाय जो है वो मेरे को दे दो। अरे तुम भिखारी हो या फिर नियत खोर? एक गाय नहीं देखी, उसको भी मांगना शुरू कर दिया। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। मैंने आज के रोज ही तो इन्हें खरीदा है और तुम भी इस पे नियत लगा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा तुमको। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। दाना ले लो, दाना, बकरियों का दाना ले लो, गाय का दाना ले लो, भेड़िए का दाना ले लो, दाना ले लो दाना। अरे मेरे दोस्त रामू, तुम ये धंधा कब से करने लगे? आज मैंने देर तक बहुत इंतजार किया कि तुम आओ तो भीख मांगने चला जाए, लेकिन तुम आए ही नहीं तो मैं अकेला निकल पड़ा। अच्छा, फिर कुछ मिला या नहीं? अरे कहाँ मिला, रोज का वही मसला रहता है। जभी मैंने ये सब धंधा छोड़ दिया, भीख मांगने से बेहतर है कुछ कारोबार ही कर ले अपना। हाँ हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, पर क्या करें, कुछ पैसे भी तो नहीं है कि कारोबार करूँ। देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ जाता था, जो भी मुझे मिलता था तो उसमें से मैं कुछ खाता था और कुछ बचाता था, तो जो बचे हुए पैसे थे उनसे मैंने ये कारोबार खोल लिया। हाँ भाई, तुम सही किए, मैं तो आज भी भटक रहा हूँ और भीख कोई देता भी नहीं। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ ही रहो, और जो भी इनमें से बिकेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा, आधा मेरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आज से ही तुम्हारे कारोबार में हाथ बटाता हूँ। पर मेरे को करना क्या होगा? अरे कुछ नहीं करना है, अगर ये बिक गया तो इसमें से जो माल कम होगा वो तुम्हें बाजार जाके मंडी से लेके आना होगा और फिर इन्हें बेचना होगा। बस ये ध्यान रखना होगा माल कभी खत्म ना हो, ताकि ग्राहक वापस ना जाए। ठीक है ठीक है, और इनमें से पैसे हमें कितना दोगे? अरे जैसे बिकेगा वैसे दे देंगे। फिर तो सही है, चलो मैं आज से ही शुरू करता हूँ। और हाँ, बच्चों को ये बात याद दिलानी होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो रोज देखें, देखना ना भूलें। ठीक है, ये भी याद दिला दूंगा, और मैं तो अभी याद दिला देता हूँ। देखो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखना ना भूलना, हर रोज आपके लिए वीडियो आता है। बाय बाय।